साथियों, मैं इस मंच से सभी देशवासियों को आश्वस्त करता हूं कि राष्ट्र की रक्षा हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है और इसे सुनिश्चित करने के लिए हम पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं। मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं कि आने वाले समय में जल्द ही दुनिया में मिलिट्री पावर्स समेत जब भी सुपर पावर्स की बात होगी तो भारत का नाम कनिष्ठिका पर गिना जाएगा, यानी सबसे पहले गिना जाएगा। साथियों, आजादी से लेकर अब तक भारत की संप्रभुता को सुरक्षित रखने में इंडियन एयरफोर्स की बेहद शानदार भूमिका रही है। इंटरनल थ्रेट्स हो या एक्सटर्नल, वार हो या पीस, इंडियन एयरफोर्स ने सदैव अपने अदम्य साहस, शौर्य और पराक्रम के साथ नेशनल सिक्योरिटी को मजबूती प्रदान की है। राष्ट्र को जब जरूरत पड़ी है, हमारी एयरफोर्स अपने करेज, कैपेबिलिटी और वर्सिटिलिटी के साथ राष्ट्र की अपेक्षाओं पर हमेशा यह खरी उतरी है। इस मल्टी रोल लाइट कम्बैट हेलीकॉप्टर के इंडक्शन के बाद इंडियन एयरफोर्स की भूमिका और अधिक प्रभावी रूप से हमारे सामने होगी, ऐसा मेरा विश्वास है। साथियों, एक लंबे समय से इंडियन एयरफोर्स ने न केवल राष्ट्र की सुरक्षा में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, बल्कि स्वदेशी रक्षा उत्पादन को भी पूरा इंडियन एयरफोर्स ने सपोर्ट किया है। वह चाहे मारुत हो, लाइट कम्बैट एयरक्राफ्ट हो, आकाश मिसाइल प्रणाली हो, एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर हो या फिर आज शामिल होने वाला हमारा यह LCH हो, ऐसे अनेक उदाहरण देखे जा सकते हैं जो इंडिजिनस डिजाइन एंड डेवलपमेंट के प्रति इंडियन एयरफोर्स के भरोसे और सपोर्ट को यह दिखाते हैं। आज LCH का इंडक्शन इस बात का प्रतीक है कि देश जितना भरोसा इंडियन एयरफोर्स पर करता है, इंडियन एयरफोर्स भी उतना ही भरोसा स्वदेशी ताजो सामान पर करती है। साथियों, अटैक हेलीकॉप्टर की जहां तक बात है, आजादी के बाद लंबे समय तक इस क्षेत्र में स्वदेशी तकनीक पर आवश्यक ध्यान नहीं दिया गया। इसका परिणाम यह हुआ कि इंडियन एयरफोर्स को फॉरेन ओरिजिन अटैक हेलीकॉप्टर पर ही निर्भर होना पड़ा। अपने तो अपने UN पीस कीपिंग मिशन के माध्यम से दूसरे देशों में भी कीर्तिमान स्थापित करने वाली हमारी वायुसेना को विदेशी अटैक हेलीकॉप्टर का सहारा लेना पड़ा। साथियों, देश में लंबे समय से स्वदेशी अटैक हेलीकॉप्टर की आवश्यकता महसूस की जा रही थी, पर 1999 में कारगिल युद्ध के दौरान इसकी जरूरत को गंभीरतापूर्वक अनुभव किया गया। तब से लेकर अब तक की यानी 2 दशकों की देश की रिसर्च एंड डेवलपमेंट का प्रतिफल है LCH और इंडियन एयरफोर्स में इसका इंडक्शन हमारे डिफेंस प्रोडक्शन की राह में एक इम्पॉर्टेंट माइलस्टोन है।